फरीदाबाद में हिपा के सहयोग से चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन इस कार्य में जुटे प्रशासनिक और समाजसेवी संस्था के लोगों ने कोहरे में हादसों से बचने के लिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए और वाहन चालकों विशेषकर युवाओं को समझाया गया कि वे सड़क पर चलते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी खतरे में न डालें। ये हमारे राजस्व जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा सरकार और हिप्पा गुड़गावा की तरफ से एक हमें प्रोजेक्ट मिला है रोड सेफ्टी का। ये पूरा एक सप्ताह का प्रोग्राम था जिसमें हमें जगह जगह जाके स्कूल कॉलेज बस स्टैंड फरीदाबाद बस स्टैंड बल्लभगढ़ बस स्टैंड लोगों को ट्रेनिंग दिया, जागरूक किया, स्पीच से, नुक्कड़ नाटक से, पेंटिंग कॉम्पिटिशन। आज ये हमारा आखिरी सप्ताह का आखिरी दिन है। यहाँ हम रोड पर खड़े होकर व्हीकल से रिफ्लेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि ठंड का मौसम है, धुंध का समय है जहाँ पे हमें रात को व्हीकल दिखाई देता है। ये रिफ्लेक्टर हर गाड़ी में, ये हमारे SHO साहब हैं, ये है, ये अंकिता है, डिजास्टर की है रिसर्च ऑफिसर, ये हमारी टीम है जो हम सब लोगों को रिफ्लेक्टर प्रोवाइड कर रही है इस सप्ताह के आखिरी दिन। जैसे जैसे जो रूल बना रखे हैं सड़क को जैसे जो बन गया वहाँ से क्रॉसिंग करनी है रोड, ऐसे जैसे दो गाड़ी पार करे तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अपने भाइयों चलना है, यदि थ्री रुपए हैं थ्री टेप लगाई गई है तो दूर के कारण सेफ्टी रेंज की थी। बाइक पर चल रहा है तो उसके लिए हेलमेट है, गाड़ी मोबाइल चला रहा है तो उसके लिए बेल्ट है, ये लगा कर चलाएँ, शराब पी के गाड़ी ना चलाएँ। ऐसे ऐसे अपनी मैडम के साथ कई जगह प्रोग्राम किया है, लोगों को जागरूक किया है, समझा गया है। तो किस तरह की खामियां ज़्यादातर आपको देखने को मिलती हैं? आप सड़क पर रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, किस तरह की लोग कानून की अवहेलना करते हैं? अवहेलना एक तो पैदल दौड़ा है, जहाँ क्रॉसिंग नहीं वहाँ से क्रॉस करते हैं, ऐसे साइकिल वाला भी ऐसे कर रहे हैं, दोपहिया वाहन वाले हैं वो भाई अपने हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं, कार वगैरह चलाते हैं, वो अपनी सीट बेल्ट वगैरह निकालते हैं। कई आदमी शाम के समय दारू भी कई गाड़ी चलाते हैं, उनका भी अब चलान कर रहे हैं करते हैं, ये भी है।